तो ये एक शक्तिमान का हॉलो पॉइंट भी अब हम चला करके इससे देखते हैं। सेम डिस्टेंस है हमारा 250 फीट के अप्रॉक्स है, उससे ज्यादा ही होगा पर कम नहीं है। और एकदम सेफ साइट है हमारी, अगर गोली हमारे टारगेट से पार भी हुई तो पीछे पहाड़ी में जाएगी, किसी को नुकसान का कोई चांस नहीं है। चलिए हम इसकी एमिंग फिर से करते हैं। ये कुछ समझ नहीं आया कहाँ गई है, चल के देखते हैं वहाँ पर। देखिए 250 फीट के डिस्टेंस से जो हॉलो पॉइंट था वो हमारे टारगेट तक नहीं पहुँचा, वो रास्ते में हम सोच रहे थे कहाँ गया। ये देखिए ये यहाँ लगी हुई है वो हॉलो पॉइंट, देखिए इसमें सब जगह पे शीशा लगा हुआ है। और मतलब ये 250 फीट के डिस्टेंस पे हमने सेम हमारी जो एमिंग उसी पे की हुई थी टारगेट पे, बट इतना पहले ये गिर गया। तो ये लॉन्ग रेंज के लिए नहीं है। वो देखिए हमारा बंदा वहाँ खड़ा है, वहाँ से हमने एमिंग की थी और फिर भी मेरे हिसाब से अप्रॉक्स ये 60-70 फीट पहले गिर गया है 250 फीट के डिस्टेंस से। अब हम इसे फिर से एक बार ट्राई करते हैं और 150 फीट के डिस्टेंस से अब हम हॉलो पॉइंट को चला करके देखते हैं कि क्या रिजल्ट बनता है। ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस के लिए ये नहीं है कि हम अभी 150 फीट से हॉलो पॉइंट चलाने वाले हैं। ये दोनों शक्तिमान के, देखिए दोनों के अंदर एक हमें फॉल्ट भी पकड़ में आया है कि इसके अंदर देखिए एक में टिप बनी हुई है और एक में टिप नहीं है, एक में ऊपर से फ्लैट दिख रहा है। मतलब ये भी इनकी कंपनी की फिनिशिंग में भी थोड़ा सा फॉल्ट है, सो उस वजह से भी फ़र्क पड़ सकता है। और पैकिंग में भी एक में फ़र्क है, एक बिल्कुल सेंट्रलाइज्ड है और एक में थोड़ा सा एक तरफ मुड़ता हुआ स्लग है देखिए, तो इस वजह से भी शायद थोड़ा एक्यूरेसी में स्लग के हॉलो पॉइंट के वो आ रहा होगा। अब ये हम चलिए जो हमारे हिसाब से एक्यूरेट पैकिंग है और इसका थोड़ा सा पॉइंट नहीं है सेंटर में, मगर हम 150 फीट से चलिए इसको भी चलाते हैं। पहले हम इसको लोड कर लेते हैं क्योंकि थोड़ा सा हार्ड है इसका लोडिंग सिस्टम, हमको थोड़ा सॉफ्ट करवाना है। और अब हम 150 फीट से इसको चला रहे हैं, सामने देखिए हॉलो पॉइंट। ये लगते हुए गया है या लेफ्ट से गया है जहाँ तक मेरे को ऐसा लगा है। देखिए दोस्तों जैसा हमने आपको बोला था कि उसके अंदर थोड़ा सा फॉल्ट था, उसकी पॉइंट जो टिप थी उसके अंदर ऐसा पॉइंट नहीं था अंदर, ये जो अंदर वाली टिप है वो फ्लैट थी। ये देखिए यहाँ आया, ये मैंने आपको बोला थोड़ा सा उनके बनाने में गड़बड़ जो हुई थी। अब ये एक हमारे पास अभी रखा हुआ है, थोड़ा ठीक ठाक दिख रहा है ये। इसमें सिर्फ एक फॉल्ट हमें समझ में आ रहा है, इसकी पैकिंग देखिए ये जो इन्होंने की हुई है ये यहाँ से बाहर आ रहा है और यहाँ अंदर छुप रहा है, तो ये भी हल्का सा पैकिंग में थोड़ा सा फॉल्ट दिख रहा है। पर इसे भी चला करके देखते हैं। एमिंग हमारी सारी यही है, बॉल बहुत बढ़िया चल रहे हैं हमारी, इससे बॉल लॉन्ग डिस्टेंस से भी चल रहे हैं, ये लॉन्ग डिस्टेंस के लिए नहीं है। तो अब ये फाइनल एक हमारे पास है, इसको भी हम 150 फीट से चला करके देखते हैं क्या रिजल्ट बनता है। अभी ये वाला था इसके पहले वाला रिजल्ट जो अभी हमने चलाया था हॉलो। तो ये लास्ट हमारे पास में एक हम उसको चला के देखते हैं 150 फीट से, हॉलो पॉइंट है शक्तिमान का। ये इसका थोड़ा सा डायग्राम थोड़ा सीधा साधा है एक तरह से, और लोडिंग में हमारी थोड़ी सी हार्ड जाती है, इसके लिए हम पहले ही लोड कर ले रहे हैं। चलिए सामने सेम एम करते हैं। और ये भी पहले टकराई है, ये भी वहाँ गई नहीं है। कुल मिला के मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका फॉल्ट ही है ये हॉलो पॉइंट का। तो जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि हॉलो पॉइंट के अंदर मेकिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हमें लग रही थी, एक की में एक पैकिंग में थोड़ा सा साइड में थी ऊपर से जो आपको हमने दिखाया था, और एक के अंदर उसके अंदर पॉइंट नहीं था वो था, तो थोड़ा सा हॉलो पॉइंट में गड़बड़ थी। 150 फीट से भी देखिए ये रिजल्ट है, एमिंग हमारी सेम है, हाथ हमारा हिल रहा नहीं है क्योंकि हमने 250 फीट दूरी से भी ये बॉल एक्यूरेट लगाया, थोड़ा सा ये मान लीजिए एक बिला लेफ्ट में, तो इतना 250 फीट के डिस्टेंस से चलता है हाथ हिला होगा, पर 150 फीट पे पॉसिबल नहीं। देखिए यहाँ टकरा करके यहाँ लगी है ये जो हॉलो पॉइंट है और फिर निकल गया है पीछे यहाँ से टकराते हुए, टंकी पे टकराते हुए। तो ये ज़मीन में ये तो 150 फीट से पॉसिबल नहीं है कि ये इतना चले, हॉलो पॉइंट हमारे इससे एक्यूरेट नहीं चल रहे, हो सकता किसी दो और गन से एक्यूरेट चले, हमारे इससे बॉल एक्यूरेट चल रहा है।